अगर आप एक योगा टीचर हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर वे टू प्लान योर करियर योर फिनेंसेस ऑन हाउ टू मेक एनफ मनी टू सपोर्ट योर फैमिली हाउ टू गेन फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं. ये वीडियो पूरा देखने के बाद आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी टू प्लान योर करियर एज ए योगा टीचर. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मैम योगा टीचर का सैलरी योगा टीचर का इनकम बहुत ज़्यादा लो है तो आप इतने सालों से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. तो इसका आंसर ये है कि योगा टीचर का जो सैलरी है जो इनकम है वो लो नहीं है. ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें ऑन एन एवरेज इंडिया में एक योगा टीचर का जो इनकम है वो 1,30,000 से लेके 3,00,000 रुपए तक का प्रति वर्ष का जो है ऑन एन एवरेज उसका इनकम होता है. वो ये स्टेटिस्टिकल डेटा है, मैं अपने मन से ये आपको नहीं बता रही हूँ. ये स्टेटिस्टिक्स जो है इंडिया का जो स्टेटिस्टिक्स है वही जो है वो स्टेटिस्टिकल डेटा ये बताता है. यानी कि महीने का मिनिमम 10,000 से लेके 25,000 रुपीस ऑन एन एवरेज एक इंडियन योगा टीचर जो है वो इनकम करता है. आप कहीं पर भी जाए, किसी भी छोटे योगा स्टूडियो में अगर जाके करें, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर जाके करें, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपीस जो है वो पे करते ही है एज ए योगा टीचर. अगर आप केवीज जैसे स्कूल्स में जाके अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सर्व कर रहे हैं एज ए योगा टीचर्स, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अगर आप सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ 25,000 मिनिमम जो है उनका इनकम होता ही है. तो ऑन एन एवरेज हम ये देख सकते हैं कि मंथली, ठीक है, प्रति महीना 10,000 से लेके 25,000 तक जो है एक योगा टीचर का इनकम होता है, जो कि कम नहीं होता. ठीक है, ये बस एक सर्विस के थ्रू होता है. और अगर आप और भी देखें तो बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स हैं कि एक जगह नौकरी करते हैं, नौकरी ख़त्म होने के बाद आप उनका सर्विस आवर्स कंप्लीट होने के बाद शाम को या फिर सुबह जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, अपना प्राइवेट क्लासेस भी लेते हैं. तो वो इनकम हम ऐड नहीं कर रहे. ठीक है, जस्ट सैलरी का जो इनकम आता है कहीं पे भी अगर आप जॉब करेंगे तो उसका इनकम मैं आपको बता रही हूँ. तो इसका जो आंसर है वो एकदम यही है कि योगा टीचर का इनकम जो है वो लो नहीं है. वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा जो है आपका स्किल सेट है, उसके बेसिस पे जो है आपका इनकम, आपका सैलरी जो है आप वो डिसाइड होता है. बिज़नेस का बात हम नहीं कर रहे, बिज़नेस का जो है इनकम वो ये इनकम से बहुत ज़्यादा हाई ही होता है. उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चंस है वहाँ जो है हम बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पूछते हैं वो ये है कि मैम योगा इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपनीज, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं. उनके मुताबिक हमारे तो मतलब बहुत कम फॉलोअर्स हैं, 1,000 फॉलोअर्स भी नहीं हैं. तो उनके बीच हम अपना अस्तित्व कैसे बनाएं? देखिए, योगा जो इंडस्ट्री है, योगा जो बिज़नेस है, योगा टीचिंग बिज़नेस, ये जो है स्कोप के बारे में नहीं है, ये बिज़नेस जो है एक्सपेंशन के बारे में नहीं है. वास्तव में ये योगा टीचिंग बिज़नेस है डीप कनेक्शंस के बारे में. आप जब अपना योगा कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, अपने खुद की योगा कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं कि आपको अपना खुद का एक योगा कम्युनिटी बनाना है, तो कभी भी, ठीक है, कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स को चेज ना करें. ठीक है, आपके पास 10 लोगों का भी कम्युनिटी अगर है, आपके साथ 10 लोग भी अगर जुड़े हुए हैं, वो 10 लोग लॉयल हो आपके साथ, वही मैटर करता है. ठीक है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो लेकिन आपके साथ कोई भी लॉयल नहीं है, कहीं और उनको अच्छा लगा वो वहीं पे क्लास ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ से, मतलब वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपके साथ लॉयल नहीं है, तो उस कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, उससे कोई कुछ भी जो है आपको फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन ऐसा आपको कम्युनिटी बनाना है कि अगर आपके पास 10 जन आते हैं, 10 जन आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो 10 स्टूडेंट्स, वो 10 जन क्लाइंट्स आपके साथ लॉयल है. ठीक है, कभी भी अगर आपने योगा करवाना छोड़ दिया एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, दो महीने बाद आप जब वापस स्टार्ट करेंगे तो वही क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स जो है वो आपके पास ही आएंगे. ठीक है, ऐसे ही जो है लॉयल्टी मैटर ज़्यादा करता है, स्कोप एंड एक्सपेंशन एंड नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ज़्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आजकल योगा क्लासेस के लिए कोई पे नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुत सारे फ्री कॉन्टेंट्स अवेलेबल हैं. हाँ,
YouTube पे बोलिए, Facebook पे बोलिए, Instagram पे बोलिए, बहुत सारे फ्री कॉन्टेंट्स अवेलेबल तो हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी कॉन्टेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस ने, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से हूँ और इस 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना फ्री कंटेंट जनरेट होता है उतना ही पेड कंटेंट के लिए जो है, पेड क्लासेस के लिए डिमांड जो है बढ़ता है। ठीक है, आप जब, मैं अपना एग्जांपल ही देती हूँ, मैं भी यूट्यूब पे जो है फ्री कंटेंट आपके लिए बनाती हूँ, आपको मैं गाइड करती हूँ, आपको मैं जो है सही रास्ता दिखाने में आपको हेल्प करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेड कोर्सेज, मेरे पेड क्लासेस नहीं चल रहे हैं। फ्री कंटेंट से लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, अगर लोगों का, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से जो है मुझे कांटेक्ट करके फिर मेरे पास जो है क्लासेस के लिए जो है ऑप्ट कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं डिफरेंट। तो ये क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं बिकॉज मेरा फ्री कंटेंट देख के उनको, मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उनको लगा कि मैं ट्रस्टेबल हूँ। ठीक है, मेरा क्रेडिबिलिटी उनके पास जो है वो बढ़ा, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, वो पेड कंटेंट के लिए, पेड कोर्सेज के लिए वो मेरे पास जो है उन्होंने अप्रोच किया। तो जितना फ्री कंटेंट आप डालते रहेंगे उतना ही आपके पास जो है पेड क्लासेस का डिमांड जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने तो ये सोचा, मेरे को यही लगता है, हो सकता है कि आपका सोच डिफरेंट हो सकता है आप कुछ और सोचें, लेकिन आप देखेंगे अगर आप आज कुछ और सोच रहे हैं, आज से 2 साल बाद आपको यही बात मेरा जो है वो सच लगेगा, वो आपको यही लगेगा कि हाँ, अगर मैम को वो बात हमने सुन लिया होता तो सही होता। पहले जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपको कुछ फ्री क्लासेस, फ्री कंटेंट जो है आपको देना पड़ता है। ठीक है, जब लोगों का आप पे ट्रस्ट होगा ना, जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तब आप जो भी आप देंगे ना, जो उनको लगेगा कि उनके लिए वैल्यूएबल है, वो परचेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड आई होप ये क्वेश्चन का आंसर मैंने जो है दे दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मैम मेरा बॉडी जो है वो परफेक्ट नहीं है, मैं स्लाइटली ओवरवेट हूँ, ठीक है, मैं स्लाइटली अंडरवेट हूँ, मुझसे शीर्षासन नहीं होता, मुझसे कठिन आसन जो है वो नहीं होते, क्या मैं योगा टीचर बन सकता हूँ? क्या मैं योगा टीचर हूँ तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो ये सब आपके सेल्फ डाउट्स हैं। फॉर श्योर हम जो है प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करें तो उससे हमारा इम्प्रूवमेंट डे बाई डे जो है वो होता रहता है। हम अपने प्रैक्टिस के द्वारा जो है फिजिकली योगा आसन्स में, क्रिया वगैरह में, बंद वगैरह में हम फिजिकली जो है ग्रो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं एंड अपने स्किल सेट पे भी हम काम कर सकते हैं, हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे योगा टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे आसन करते हैं, उनका बॉडी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सारे कठिन आसन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल योगा टीचर है। हो सकता है कि वो इधर फिनेंशियली लैक कर रहे हो या फिर वो टीचिंग पर्सपेक्टिव से जो है वो लैक कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अपना स्टोरी आपको बताती हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ महीनों पहले मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं इमोशनली और मेंटली पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी, जिसका इम्पैक्ट मेरे फिजिक पे हुआ, मेरे बॉडी पे हुआ। पिछले 4 महीनों में मैंने 4 kg, अराउंड 4.5 kg की तरह मैंने गेन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 4.5 kg 4 महीने में अगर कोई गेन करेगा वो जो है वो मतलब स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने सेल्फ डाउट को अपने खुद के ऊपर हावी होने नहीं दिया। अगर मैं अपने सेल्फ डाउट्स की सुनती, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं वापस कर पाऊंगी क्या, पश्चिमोत्तानासन ही तो नहीं हो रहा है मुझसे, मैं फिर कैसे करवाऊंगी लोगों को। मैं अगर उन सब डाउट्स को, उन सब थॉट्स को अगर अपने ऊपर हावी मैं अगर होने देती तो मैं कभी भी जो है आज यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। 4 महीने पहले ही मेरा योगा का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने रेगुलर योगा क्लासेस करवाए, मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मैंने जो है मैं करवाती रही। ठीक है, तो आपको जस्ट यही करना है कि आपको स्टार्ट करना है, जस्ट गेट स्टार्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल सेट। ठीक है, हमको जस्ट स्टार्ट करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली अपने स्किल सेट को कैसे हम इम्प्रूव करें उसके बारे में हमको जो है सोचना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे आप उस लेवल तक पहुँच गए जहाँ वो आप जिनको आइडल मानते हैं योगा जो आपके जर्नी में, वो जहाँ तक है आप वहाँ तक भी पहुँच गए हो। ठीक है,
तो अपने सेल्फ डाउट्स को अपने ऊपर हावी होने ना दीजिए, मत दीजिए सेल्फ डाउट्स को हावी होने, और जो है आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए और जस्ट जर्नी स्टार्ट करते रहिए, ठीक है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, हमारा चैनल है, हमारा जो है सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट जो है वो खुद से करना है, ठीक है। आप स्टार्ट करिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहिए, आप देखेंगे एक दिन आप सक्सेसफुल जो है, आप सक्सेस के रास्ते पे जो है आप बहुत जल्द जो है आप आ जाएंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इतने बड़े बड़े योगा कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े योगा स्टूडियोज हैं, उनके सामने हम अपना एग्जिस्टेंस कैसे बनाएं, हम कैसे टिके रहेंगे। देखिए, आप जो है अपने लोकेलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। संदीप महेश्वरी सर जो है वो बोलते हैं ना कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको ब्रेक डाउन करें। तो आपका गोल है कि आपको पूरे वर्ल्ड में योगा सिखाना है, तो वर्ल्ड को आप ब्रेक डाउन करें। वर्ल्ड से पहले आता है आपका कंट्री, कंट्री से पहले आता है आपका स्टेट, स्टेट से पहले आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से पहले आता है आपका सिटी या फिर टाउन, और उससे पहले आता है आपका लोकेलिटी। तो आप अपने लोकेलिटी से स्टार्ट करें। देखिए, मैक्सिमम चांसेस है कि आपके लोकेलिटी के जो आपके नेबर्स हैं, ठीक है, आपके जो नेबर्स हैं वो जो है आप अगर योगा स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं, योगा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास ही आएंगे, ना कि उन बड़े बड़े कंपनीज के योगा स्टूडियोज में जाएंगे या फिर ऑनलाइन जो है उनका सब्सक्रिप्शंस लेंगे, ठीक है। कोई भी हम सर्विस जो है अटेन करते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है एज ए कस्टमर, हमारा दिमाग यही रहता है कि वहाँ कोई जान पहचान का मिल जाए तो अच्छा है। ये क्यों रहता है दिमाग में? ताकि वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड हो जाए, ठीक है। आप देखेंगे सपोज रिलायंस में, ठीक है, रिलायंस में आपका कोई दोस्त जो है रिलायंस डिजिटल में आप फ़ोन खरीदने गए और वहाँ आपको जाके मिला का आपका एक दोस्त जो है वहाँ जॉब करता है, तो आप और कहीं पे जाएंगे नहीं, वहीं से जो है आप अपना जो है फ़ोन जो खरीदने गए थे वहीं से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त को देख के आपका उस रिलायंस डिजिटल स्टोर में जो है ट्रस्ट बिल्ड हो गया, ठीक है। तो सेम जो माइंडसेट है वो आपके साथ भी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल है। आप जब योगा स्टूडियो खोलेंगे अपने लोकेलिटी में, तो आपके लोकेलिटी के जो लोग हैं, आपके लोकेलिटी में भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो भी तो बीमार पड़ते हैं, तो वो जब बीमार पड़ेंगे, उनको जब फिट रहना है, जनरल फिटनेस के लिए जब वो योगा के लिए वो जब अप्रोच करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको ही अप्रोच करेंगे, ना कि उन बड़े बड़े कंपनीज को, ठीक है, ना कि उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। देखिए, इंडिया में ऑब्वियसली आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, ठीक है, ऑनलाइन लोग आज भी जो है कंफर्टेबल नहीं है। योगा वगैरह, जिम वगैरह या फिर कुछ भी काइंड ऑफ वर्कआउट जो है वो फेस टू फेस करना पसंद करते हैं, तो वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस जर्नी में जो है यही आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आप माइंड में रखें कि वो अगर बड़ी कंपनी है कोई बात नहीं, मैं अपने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अपने यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, धीरे धीरे मैं ग्रो करूँगी, ठीक है। एकदम से आप अगर ऊँची छलांग मारेंगे तब तो नहीं होगा ना, तो आप धीरे धीरे अपने गोल को ब्रेक डाउन करें और एक एक स्टेप, ठीक है, हर ईयर एक एक स्टेप करके आप जो है आगे बढ़ते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप हमारा एप्लीकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। हम हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी जो है प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड है, तो आप वहाँ से जो है अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके करियर में। आप एडवांस सर्टिफिकेट जितना आप रखेंगे उतना ही आपका जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। तो उसके लिए जो है आप हमारा एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर्स भी वहाँ पर चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो अगर आपको कुछ लगे कि ये कोर्स मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, तो आप उसको ज़रूर जो है परचेस करें। तो आज का वीडियो बस आप इतना तक ही रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से जो है हेल्प मिला होगा। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड जो है टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में भी जो है हम आपको बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।